अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। लखनऊ में बीजेपी की एक महिला नेता की ओर से पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव का वो चर्चित बयान लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर भी बीजेपी ने हमला बोला। सीएम योगी ने सपा को जंगल पार्टी कहा। कल बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाकर पीड़ित से मिला था। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मामले में डीएनए जांच हो और कोर्ट पीड़ितों को सुरक्षा दे। तो यूपी में अयोध्या रेप कांड को लेकर सियासत तेज नजर आ रही है। हर जगह ये पोस्टर लगे हुए हैं, लड़की है, लड़के हैं, गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश मुहिद है, गलती हो जाती है। योगी ने समाजवादी पार्टी को जंगल पार्टी कहा है। अखिलेश की मांग है कि कोर्ट मामले का संज्ञान ले और अखिलेश साथ ही साथ ये भी कि पीड़िता को सुरक्षा मिले और डीएनए जांच हो, जो भी इस पे गुनहगार उसको सजा मिले। तो अब देखिए संगीन आरोप लगते आ रहे हैं आरोपी मोहित पर। कई संगीन आरोप, कई संपत्तियां कब्जाने का आरोप है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, बेनामी संपत्ति खरीदी है, घर में पुलिस चौकी चलती थी, ये भी आरोप लगते रहे। दंगा भड़काने के केस में जेल भी गया था। तो कई तरीके के अब सवाल उस पर उठते हुए, गैंगरेप पर आर पार की लड़ाई बिछड़ती हुई। यहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीड़ित को सुरक्षा मिले, बीजेपी कह रही है कि अपराधियों को क्यों बचा रही है समाजवादी पार्टी। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से डीएनए जांच की मांग उठा दी गई है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि गुमराह ना किया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इस पूरे मामले को में कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि कोर्ट का नाम लेकर ये दरअसल अपने ही मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है सच पता किया जाए। बीजेपी कह रही है कि सारे विपक्षी आखिरकार इस मसले पर चुप क्यों हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और बीजेपी इसे सीधे तौर पर सपा जंगल पार्टी बता रही है। और इस मामले को लेकर बीजेपी और एसपी में जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एसपी मामले में साजिश की तरफ इशारा करते हुए डीएनए की मांग कर रही है। यह अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ वो जिहुआ पर बोलना भी पाप जैसा लगता है, लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। तो हम ऐसे घटना की निंदा करते हैं और जहां तक जो कार्रवाई हो रही है तो देखिए ये कहां का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करके पुलिस ही यहां का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे, तो ये कहां करना है। इस घटना का मेन मुलजिम समाजवादी पार्टी के सांसद का नजदीकी है, समाजवादी पार्टी का ऑफिस बेरर है। उसके बाद भी ना सांसद ने कुछ बोला ना सरकार ने कुछ बोला, मतलब साफ है कि समाजवादी पीड़िता के साथ नहीं है बल्कि अपराधियों के साथ हैं। मेरे ख्याल से समाजवादी को शर्म करनी चाहिए। घटना कुछ हो और प्रचारित कुछ किया जाए तो मन में खोट है, दूसरी घटनाओं को छुपा दो और किसी घटना को उठा दो, क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है, उसका राजनीतिक फायदा लेना है। क्या घटना है, कैसे घटना है, ये तो जो आप परोस रहे हैं, जब सरकार के लोग बोल रहे हैं, वही तो दुनिया जान रही है। हम तो कह रहे हैं कानून में जो भी रास्ता है, इस तरह का अपराध करने वाला अपराधी न कोई ठाकुर जात का है और न कोई मुसलमान कौम का है।
कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, देखिए अब सियासत भी चरम पर है, जहां एक तरफ ये नेता निकलता है तो अभी तक सवाल बीजेपी कर रही, कोई कार्रवाई नहीं होती, अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर देते हैं, इन सब को लेकर अब सियासत छिड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अर्पिता, सियासत है और सियासत खूब हो रही है, और उसकी वजह भी है क्योंकि अयोध्या ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, और अब उसी अयोध्या के उसी फैजाबाद के मिल्कीपुर में उपचुनाव भी होने हैं। तो बीजेपी को लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जो कि किसी भी तरीके से सियासी रूप से छोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात, जिस तरह की घटना है ये अपने आप में बहुत ही बीभत्स घटना है। उस लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ सामूहिक रेप किया गया है, ऐसे में इस घटना की भी निंदा उतनी ही उसी तरीके से की जानी चाहिए और हो रही है। आप देखें मायावती ने क्या कहा, मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में कितने डीएनए टेस्ट कराए, तो डीएनए को लेकर के ये सियासत बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि डीएनए की बात करके वो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की भी की जो बातें हैं उसको उठा रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी बीजेपी अब समाजवादी पार्टी को घेरने लगी है कि सामूहिक बलात्कार के मामले में डीएनए कहां से आ गया, और उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें समाजवादी पार्टी के पास जवाब नहीं होगा। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये 10 तब्बे चौराहा है, और बीती रात यहां पर वही पोस्टर लगा था जिसमें मुलायम सिंह यादव का जो फेमस एक लाइन थी कि लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बीती रात इसी चौराहे पर पोस्टर लगा था, लेकिन रातों रात पुलिस ने उस पोस्टर को हटा लिया। तो पूरी की पूरी सियासत, पूरी की पूरी कह सकते हैं कि विरोध इस वक्त समाजवादी पार्टी का बीजेपी करती हुई दिख रही है, और वो बार बार उस मुद्दे को लेकर के आती है जो कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कह दिया था। तो ये लड़की नाबालिग है और उसके साथ करने वाला मोहित खान है, निश्चित तौर पर बीजेपी को लगता है कि उसके पास यह मुद्दा है जिसको कि वो लंबे दूरी तक ले जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत आखिरी वक्त तक बीजेपी से छोड़ेगी। ठीक है कुमार अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी देखिए आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इसको लेकर देखिए सियासत भी चलती हुई नजर आ रही है। अब आरोपी के घर पर फिलहाल जो एक्शन हुआ है, बुलडोजर चला है, आरोपी मोहित की संपत्ति की जांच भी हो रही है। एक कॉम्प्लेक्स में बताया जा रहा है जो इसका रहा, वहां पर तो लोग दुकानों को खाली करके अब जाने लग गए हैं। बेकरी जो है मोहित की वो भी गिरा दी गई है। बीजेपी नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, पूरा प्रतिनिधि मंडल दरअसल वहां पर पहुंचा, पीड़ित परिवार के साथ 30 से 40 मिनट का समय बिताया। लेकिन अब इस पर जो तरह से सियासत हो रही है, यानी बीजेपी ये कह रही है कि देखिए जांच चल रही है, जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का डीएनए टेस्ट कराने की बात अब सियासत में तेल में घी डालने जैसा काम करता नजर आ रहा है। सियासत के बीच पीड़ित की मां ने क्या दर्द बयां किया, जरा वो भी सुनिए। मौजूद है वहां जहां पर है मोहित खान समाजवादी पार्टी नेता का घर, ये घर आप देखिए समाजवादी पार्टी नेता का है, और यहां पर तमाम जो घर वाले हैं वो एकत्रित हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उनके मोहित खान के भतीजे हैं, क्या नाम है आपका भाई? भाई हैं आप, क्या नाम है? आफताब। आफताब, क्या देखते हैं पूरी कार्रवाई को आप, जो भी एक्शन कल हुआ है, जो भी आरोप लगे हैं? तो गलत हो रहा है, आप उसकी डीएनए टेस्ट करवाइए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, और जो गलत है दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए, बस सिर्फ बस हमारा ये मांग है। और बिना रिपोर्ट के हम लोग को घर गिराया जा रहा है, नहीं बैकरी गिरा दी उसको, ये हम लोग चला बुलडोजर भी चला दे रहे हैं, बस ये हमारी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और डीएनए टेस्ट की मांग है। और कौन आप परिवार से हैं? मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा सर, हम लोग डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और डीएनए टेस्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होके होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए सर, ये नाजायज हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है, एक तरफा न्यूज दिखा करके उसको बात को इतना बढ़ा दिया गया है। परिवार जो है वो तो परिवार को झूठ बोल रहा है। परिवार कौन झूठ बोल रहा है? जो लड़की का परिवार, लड़की का परिवार झूठ बोलेगा? उसको पैसे, उसको राजनीति चाहिए, पीछे राजनीति हो रही है, सपा का टैग इनके ऊपर लगा हुआ है, सपा का टैग लगा, कई साल पहले वो नगर अध्यक्ष बनाए गए थे मोहित खान, और नगर राजू भी क्या समाजवादी पार्टी से कोई भी उठाकर दे दिया, कोई संबंध नहीं, राजू का समाजवादी से कोई संबंध नहीं, राजू नौकर है इनका, सीतापुर का रहने वाला, बेकरी में नौकर है, बेकरी में नौकरी कर रहा है, राजू का कोई स्टेटस नहीं, इसी वजह से उनको फ्रंट पर नहीं लाया जा रहा, इसलिए उन सिर्फ जोड़ा गया इस केस से कि ये समाजवादी से जुड़े हुए हैं, और इनको मौका मिल गया कि राजू उनके बेकरी में काम करता था, और राजू का
उनके बेकरी में काम करने के अलावा हमारे घर से कोई उसका रिश्ता नहीं है, हमारे घर से कोई उसका रिलेशन नहीं है। उसको देखा भी अगर लड़की को राजू से प्रॉब्लम थी, अगर लड़की वाले आके हम लोगों को बताए होते तो हम लोग खुद लड़की वालों के साथ खड़े होते। तो मोहित के परिवार की महिलाओं को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बेगुनाह है, उसको फंसाया जा रहा है। वहीं सियासत के बीच पीड़ित की मां का बयान भी आपको सुनवाते हैं। आपने कोई मांग किया, उन लोगों ने कुछ कहा? हाँ, मांग किया, बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चले, फांसी लगे बस। मतलब जो घटना हुई ये बहुत दर्दनाक घटना है। इसमें मेन आरोपी कौन था, कितने लोग थे? मोहित खान और राजू। अभी भी कोई धमकी वगैरह आप लोग को मिल रही है? भदरसक लोग धमकी दे रहा भी। अच्छा, कौन भदरसक के लोग? गांव के लोग हैं या कि उन्हीं के घर के परिवार के लोग हैं? वहीं एक गांव है, एक सब हम नहीं चिन्हे थे। क्या कहते हैं वो? मार डाल बहाय दिया, मार के ही सब कहा थे। अच्छा, तो इससे शिकायत पुलिस से आपने बता दिया पूरी बात? अरे यार, हाथ छोड़ दो, हटाओ। पुलिस को बता दिया हमने? तो फिलहाल कार्रवाई भी हो रही है और सियासत भी।